नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी के बीच अब पाकिस्तान के वाहनों के पहिए थमने का खतरा पैदा हो गया है। मदरसा मुल्क एक गंभीर तेल संकट के कगार पर पहुंच गया है और देश में अभी भी कच्चे तेल के आयात में भारी कमी है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान का तेल रिजर्व भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है और अब उसके पास महज 4 दिनों का तेल बचा है। अगर इस बीच कच्चे तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो देश भारी मुश्किल में फंस सकता है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान की रिफाइनरियां ऋण संकट का सामना कर रही है। ये ऋण संकट तेल विपणन कंपनियों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। विदेशों से कच्चा तेल आयात करने के लिए स्थानीय रिफाइनरी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब यह है कि जिस देश से कच्चा तेल मंगाया जा रहा है वहां के विदेशी बैंक को रिफाइनरियां अपने देश के बैंक से भुगतान की गारंटी दिलवाती है। पर दिक्कत यह है कि विदेशी बैंक कच्चे तेल के आयात के लिए स्थानीय रिफाइनरियों के LC की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इन विदेशी बैंकों को डर है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है और उसकी करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। अगर यह देश दिवालिया हो गया तो अपने साथ उन्हें भी ले डूबेगा। खास बात यह है कि रिफाइनरियों के पास इतना कच्चा तेल ही नहीं बचा है कि उन्हें लगातार चलाया जा सके। स्थिति को देखते हुए सरकार ने भी रिफाइनरियों को कुछ हफ्तों के लिए परिचालन बंद करने की सलाह दी है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की रिफाइनरियां सरकार को पहली प्रोडक्शन बंद करने की चेतावनी दे चुकी थी। अब अगर रिफाइनरियों का परिचालन बंद हुआ तो देश में तेल की सप्लाई पूरी तरह बाधित हो जाएगी और जाहिल जमात में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह संकट कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी स्वामित्व वाली पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले उसके 2 कार्गो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में लंगर डाले हुए हैं और देश के क्षेत्रीय जल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वैश्विक बैंक ने साख पत्र को स्वीकार करने से मना कर दिया है और रिफाइनरियों को भुगतान को डिपॉजिट करने का फरमान जारी कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $1 के लिए तरस रहा है और रिफाइनरियों के पास फिलहाल इतनी रकम नहीं है कि वह इस मुसीबत से पीछा छुड़ा सके। वह खुद गंभीर ऋण संकट में फंसी हुई है। हैरानी की बात यह है कि सरकार रिफाइनरियों के बंद होने के पीछे कुछ और ही हवाई दावे कर रही है। उसका कहना है कि पाकिस्तानी रिफाइनरी 1 महीने में 2 लाख टन तेल का उत्पादन करती है और वर्तमान में विपणन कंपनियों, बिजली संयंत्रों और रिफाइनरियों के पास 7 लाख टन तेल का स्टॉक है। इसके चलते देश की 3 रिफाइनरियों को बंद करने की सलाह दी है। पर यह सवाल भी अहम है कि जब पाकिस्तान के पास तेल स्टॉक शीर्ष स्तर पर है तो वह महंगा तेल क्यों खरीद रहा है? अगर खरीद भी रहा है तो जब उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसे कहां पर स्टोर करेगा? यानी पाकिस्तान अब अपनी जनता के साथ धूर्त मुल्ला पुलिस का कार्ड खेल रहा है ताकि देश को तेल की शॉर्टेज से होने वाली अफरा तफरी से बचाया जा सके। खास बात यह भी है कि 7 लाख टन तेल का स्टॉक होने का दावा करने वाली सरकार लोगों को 10 बजे बाद बिजली बंद करने की फरियाद कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दावा कर रही है कि बिजली संयंत्रों के पास जरूरत से ज्यादा तेल है। पर हकीकत यही है कि पाकिस्तान के मुल्ला धूर्त होने के साथ झूठे और जाहिल भी हैं। यह अभी भी इंशाल्लाह बोलकर और तशरीफ भिड़ाकर मदरसा पैदाइश से आमीन बुलवा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।